एक चैंपियन और एक एवरेज प्लेयर में फर्क क्या होता है पता है आप लोग को? फर्क सिर्फ इतना है कि एबिलिटी टू फिनिश। हो सकता है एक एवरेज प्लेयर जो कि चैंपियन नहीं है उसमें टैलेंट ज़्यादा हो, हो सकता है कि वो बीच में भी बहुत अच्छा खेल रहा होगा, शुरू भी गेम को बहुत अच्छा कर रहा होगा, लेकिन उसमें एक स्किल या एक माइंडसेट, इसको स्किल नहीं बोलेंगे इसको माइंडसेट बोलेंगे, उसकी कमी है जो है लास्ट कॉइन को मार पाने की ताकत। तो ये ताकत कैसे आएगी? देखो आपने आसपास में कितने काम शुरू करे हैं आपने और उसको ख़त्म नहीं किया, उसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको, तभी आप में ये एबिलिटी डेवलप होगी। तो एबिलिटी टू फिनिश डेवलप करने से सिर्फ आप कैरम में चैंपियन नहीं बनेंगे, आप अपनी लाइफ में भी चैंपियन बनेंगे। तो ये जो स्किल है एबिलिटी टू फिनिश, ये डेवलप करना है हमें। मैं भी इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी जो व्यूअर्स है देख रहे हैं वो भी ये जो स्किल है एबिलिटी टू फिनिश इसको डेवलप कर लें।